चलिए तो ये सेट वन का कोड 5611 का क्वेश्चन नंबर 23 है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है सेट वन का, ये आप यूट्यूब पे सारा जगह देख लेना, इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है अनअकैडमी ये सब जो है वो भी इस क्वेश्चन को स्किप मार दिया है, ठीक है, उलझा हुआ जवाब दे दिया और जल्दी इसको स्किप कर दिया है, और दूसरे छोटे छोटे क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन करता है जिसका स्टूडेंट लोग देखते ही आंसर मार देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया गया है और आपको पूछ रहा है ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक। तो जो खूब रगड़ के प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, उनको ग्राफ देख ही के पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। बाकी कैसे है मैं भी आपको बताऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एनालाइज द गिवन ग्राफ ड्रॉन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। एक ग्राफ आपको दिया गया है, पहला आपको क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोनों क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। पहला कह रहा है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमको तो सीधे लिखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, लेकिन कैसे है सो देखिए। हम लोग जो जानते हैं के इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। के इज इक्वल टू 2.303 by t 10 second log a, हम लोग का क्या है, जब टाइम जीरो था उस समय कंसंट्रेशन कितना है 1.6 होगा, यहां पर 1.6 by a minus x, a minus x कितना है 0.8, ठीक है, इसको कैंसिल कर लिए हम लोग, तो k हम लोगों का क्या आ गया 2.303 by 10, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग log 2, k will be equal to 2.303 by 10 log 2 का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 0.3010, ये आ गया इक्वेशन 1, k का हम लोग का वैल्यू इतना आया। सेकेंड स्टेप हम लोग लिखते हैं, केस 1 था ये, चलो ये केस 1 था, केस 2 लेके चलते हैं। 2.303 by 20, टाइम हो गया 20 सेकेंड या मिनट जो बोलो, log 1.6, उस समय कंसंट्रेशन कितना हो गया है 0.4, अब इसको कैंसिल कर दिए 4 टाइम्स में, ये क्या आ गया हम लोग का 2.303 by 20 log 4, log 4 का वैल्यू 0.6020, इसीलिए हम बोलते हैं लॉग का वैल्यू पकड़ के रखो, आप प्रैक्टिस से तैयार हो जाता है। ये 10 बार हो गया, ये हो गया 0.3010, ये देखो दो आया। K का इक्वल वैल्यू आना बताता है कि ये जो डेटा दिया हुआ है वो इस फॉर्मूला के लिए वैलिड है। ये फॉर्मूला किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। इवन आप अगर थर्ड लाइन भी लेके चलो ना, k इक्वल टू 2.303 बाय 20 के जगह 30 रख दो और कंसंट्रेशन 0.2 रख दो, यहां आ जाएगा log 8, log 8 का वैल्यू 0.9030, ठीक, और नीचे आ जाएगा 30, वो कट के फिर इतना ही आएगा। दैट मींस हर बार आपको क्या आएगा, रिजल्टेंट यही आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को या फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। अब बोलेंगे कि फिर ऐसे कैसे पता चलेगा, तो भाई हमको जीरो या फर्स्ट ऑर्डर ही ऑप्शन रहता है ना, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ग्रेजुएशन में पढ़ना है, तो जीरो ऑर्डर पे भी ये सेट करके देख लेना, कांस्टेंट एक जैसा नहीं आएगा, ओके। इसका बी में कहता, हमको फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, द गिवन डेटा रिलेट्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। यही सब क्वेश्चन को इतना उलझा के पास किया है बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट वाला सब। बी नंबर देखो, बी नंबर कह रहा है इसी क्वेश्चन का, सिंपली क्वेश्चन है वो भी, लेकिन थोड़ा सा बी नंबर में कह रहा है, थ्योरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू जीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, क्या कंसंट्रेशन जो है जीरो हो सकता है इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log a by a minus x, देखो कह रहा है कि क्या कंसंट्रेशन रिड्यूस टू जीरो, कंसंट्रेशन रिड्यूस टू जीरो इनफाइनाइट टाइम के बाद लॉग a के
की जगह फिलहाल हम a ले रहे हैं और यहां क्या लिख देंगे, जीरो। तो k इज इक्वल टू 2.303 इनफाइनाइट लॉग a माइनस लॉग जीरो, तो हटा दिए, इसको इनफाइनाइट कर लो इधर, लॉग a, k को इंफिनिटी से, किसी भी डिजिट को इंफिनिटी से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 1.303 log a। तो ये संभव है, तो हाँ लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल, हो सकता है सर, ठीक है। 24 में कह रहा है ड्रॉ द शेप ऑफ xeo। अब इस क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन किया गया है भाई, xeof4 है, xeof4 कितना बार बता चुके हैं, है ना, कितना बनवाए हैं, xe का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 6 प्लस 7 इनटू 4, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 34 और 8 42, 42 को क्या से डिवाइड करते थे हम लोग, 8 से, 8 पचे 40, 2 बच गया, 2 को डिवाइड कर देंगे फिर 2 से, एक बार में गया 1, 5, 1, 6, 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और sp3d2 में एक लोन पेयर, sp3d2 का ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, और एक लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर बैठा दिए, यहाँ बीच में चेनोन है, F है, F है, F है, F है, O है, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। हम लोग को सीधे लिखना, जो प्रैक्टिस करता है वो सबको सबका शेप पता रहता है, स्क्वायर पिरामिडल। फिर है एक BrF3, है ना, BrF3, इसमें क्या हो जाएगा, सब हेलोजन सी है, तो 7 और प्लस 7 इंटू 3, तो 7 या 21 और 7 28, 28 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 8 3 24, हाथ में रहा 4, 2 2 ना 4 कट गया, 3 और 2 5, 5 के लिए sp3d का ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में भी दो लोन पेयर, क्या शेप हो जाएगा, टी से, ये हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और उसमें हम लोग सेंटर में रख देंगे ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, T से, ये हो गया लोन पेयर, लेकिन हम लोग को केवल लिखना है, तो पहला का आंसर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो गया T से। उसके बाद जो क्वेश्चन है 25 हम लोग को कह रहा है, 25 हम लोग को कह रहा है फॉर्मूला लिखना है, पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंके टू, एकदम एनसीईआरटी का, पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, याद आया, टू हो जाएगा, निकाल के भी बता नहीं रहे हम, बताया हुआ है बहुत सारा बात, और हमको लगता है सारा बच्चा बनाया हुआ है सब। हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, हेक्साएमाइन प्लेटिनम, हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है 26 में, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड देन हाइड्रोलाइज्ड। वाह बहुत बढ़िया, 26 का ए नंबर में क्या कह रहा है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन इज रिएक्टेड विद किसके बाद, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे जाता है मैग्नीशियम, महात्मा गांधी कार्बन पे आ गया कार्बन, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम लोग, तो बताए हैं कि एक चीज तो फिक्स है, फिक्स है, ये निकलेगा, ये MgOHI निकल गया, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा CCCCOH, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल इज ऑब्टेंड। तो क्वेश्चन में जब बताते हैं क्लास में, जब क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, तो आगे में केवल when लगा देना, when propanone is treated with methyl magnesium iodide and then hydrolyzed, it gives tert butyl alcohol, ठीक है? Benzene is treated with acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, वाह जी वाह, चांदी ही है सब क्वेश्चन। 26 का B क्या है, Friedel-Crafts reaction है,
एकदम सिंपल, AlCl3 के प्रेजेंस में फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, या बना दो CO CH3, और कोशिश करो बाबू कि रिएक्शन बैलेंस हो, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो। कोई कोई बोलता है कि ऑर्गेनिक का इक्वेशन बैलेंस नहीं करना रहता है, नहीं होता, ऐसा नहीं, बैलेंस करना है।